गुड़गांव के अस्पताल में बसपा के सुप्रीमो काशीराम भर्ती थे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उनकी तीमारदारी कर रहे थे उनके इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र और राज्यसभा के सांसद जयंत मल्होत्रा, साथ में पार्टी की महासचिव मायावती भी थी। जयंत ने मायावती से कहा, मेरे पिताजी को भी यही बीमारी थी, लंदन में उनका देहांत हो गया था। मायावती घबरा गई और रोने लगी। काशीराम ने उन्हें भीतर बुलाया और कहा, यूपी की मुख्यमंत्री बनोगी? मायावती को लगा मान्यवर की तबीयत और खराब हो गई है। काशीराम ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने मायावती को बीजेपी के सपोर्ट के लेटर दिखाए। ये मई 1995 का वक्त था। 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और उन्होंने 1.5 बरस पुरानी सपा बसपा की सरकार के खत्म होने की सूचना राज्यपाल मोतीलाल वोरा को दी। मायावती ने उन्हें 2 चिट्ठियां सौंपी, पहली जिसमें सपा की सरकार से समर्थन वापस लेने की बात थी, दूसरी जिसमें सरकार बनाने का दावा था और बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों के सपोर्ट की चिट्ठियां थी। मोतीलाल वोरा ने कहा, आपको सही समय पर सूचित किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव जो उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे, इस राजनीतिक घटना चक्र से आग बबूला हो गए। 2 जून को उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में, जहां पर मायावती अपने पार्टी विधायकों के साथ ठहरी हुई थी, मीटिंग कर रही थी, सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी, अपने तमाम समर्थकों को भेजा। इन समर्थकों को एक टास्क दिया गया। टास्क ये कि बसपा के एक बागी नेता राज बहादुर के नेतृत्व में पहले ही 12 विधायक टूटकर मुलायम सिंह के पक्ष में आ चुके थे, लेकिन दल बदल विरोधी कानून के चलते 67 सदस्यीय बसपा के कम से कम एक तिहाई विधायकों का मुलायम सिंह के साथ आना जरूरी था। कुछ और विधायकों की जरूरत थी और उन्हें प्यार से या डरा धमका कर लाने के लिए बाहुबलियों की फौज को स्टेट गेस्ट हाउस रवाना किया गया। 2 जून 1995 की दोपहर सुइट नंबर 1 और 2, यहां पर मायावती अपनी पार्टी के नेता आर के चौधरी और कुछ दूसरे विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी और तभी इन बाहुबलियों का जमावड़ा वहां पहुंचता है। ये दरवाजा पीटते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, जाति सूचक लिंग सूचक गालियां देते हैं। भला हो यूपी पुलिस के कुछ सिपाहियों और अफसरों का जिनके भीतर फर्ज बाकी था और उन्होंने मुख्यमंत्री के मौखिक आदेशों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। शाम को वहां पर लखनऊ के डीएम राजीव खेर पहुंचे, उनके साथ एसपी सिटी राजीव रंजन थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से भीड़ को तितर बितर किया। गवर्नर तक खबर पहुंच चुकी थी, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स आया और किसी तरह रात बीती। बहुत समझाने के बाद मायावती रात में उस सुइट से बाहर निकली। भीतर की बिजली काट दी गई थी, पानी काट दिया गया था और विधायक डरे हुए थे। काशीराम ने कहा, ये मायावती का सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान था और वो सफल साबित हुई। 3 जून 1995 को मायावती को मोतीलाल वोरा ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई। देश के सबसे बड़े सबसे ताकतवर सूबे की पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती। मायावती और बीजेपी के गठजोड़ की शुरुआत गुड़गांव में हुई थी, जब जयंत मल्होत्रा ने अटल बिहारी वाजपेयी, आरएसएस के उस वक्त के मुखिया राजेंद्र सिंह और रज्जू भैया और काशीराम के बीच तमाम मीटिंगें करवाईं। शुरू में आडवाणी इस गठजोड़ के खिलाफ थे और आडवाणी के यूपी में शशि कल्याण सिंह तो कतई खिलाफ थे, लेकिन बाद में सियासी मजबूरियों का हवाला देकर उनको साथ ले लिया गया और इस तरीके से मायावती को पहली बार सत्ता की चाबुक मिली। आते ही उन्होंने तमाम फैसले लिए, जिसमें एक फैसला स्टेट गेस्ट हाउस कांड की जांच का भी था। सीनियर आईएएस रमेश चंद्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनी जिसने अपनी रिपोर्ट में मुलायम सिंह समेत 74 लोगों को नामित किया। ये जो राजनीतिक किस्सा आपने सुना, ये उसी कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। 2 जून को ये तो तय हो गया कि ओबीसी की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी और दलितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी भविष्य में कभी एक नहीं हो सकती, लेकिन यूपी के सियासी ड्रामा का एक अंक खेला जाना अभी बाकी था। 3 जून को मोतीलाल वोरा ने मायावती को मुख्यमंत्री पद की शपथ तो दिला दी, लेकिन अभी बहुमत साबित करना बाकी था। 19 जून को यूपी की विधानसभा का सत्र आहूत किया गया। स्पीकर थे समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक धनीराम वर्मा। धनीराम वर्मा ने सेशन शुरू करते ही कहा कि राज्यपाल ने जो फैसला लिया है मुलायम सिंह को बर्खास्त करने का और मायावती को शपथ दिलाने का, वो संविधान के खिलाफ है, इसलिए इस फैसले को खारिज किया जाता है। ये कहकर उन्होंने सदन को बर्खास्त कर दिया। सब लोग अवाक रह गए, सपा के तमाम विधायक वॉकआउट कर गए, मगर अभी भी सदन में 275 विधायक मौजूद थे, बसपा के, भाजपा के, जनता दल और कांग्रेस के। जाहिर सी बात है कि बहुमत से कहीं ज़्यादा का आंकड़ा था। इन विधायकों ने नए सिरे से स्पीकर का चुनाव किया। बसपा के बरखूराम वर्मा विधानसभा के नए स्पीकर बने और अगले रोज 20 जून को मायावती ने अपना बहुमत साबित किया। dilalantop.com पर सियासत के और किस्सों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।